जनपद संभल में हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तान में उपद्रवियों द्वारा गुरुद्वारे पर हमला करने के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंका। जनपद संभल में हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में चंदौसी के फव्वारा चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। पाकिस्तान में शुक्रवार को उपद्रवियों ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया था। कई श्रद्धालु काफी देर तक गुरुद्वारे के अंदर फंसे रहे। उपद्रवियों ने ननकाना साहिब का नाम बदल कर गुलामे मुस्तफा करने की भी धमकी दी, जिसके विरोध में हिंदू जागरण मंच ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत की घोर निंदा करते हुए भारत सरकार से पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का कार्यवाही कर मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। गुरुद्वारे के ऊपर हमला हुआ, उस बात को लेकर यहां पर आपने विरोध प्रदर्शन किया है, ये किस बात की नाराजगी? सिख समाज का ननकाना साहब जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, बहुत धार्मिक और पूरे हिंदू समाज के लिए वो इतना आदर्श और आस्था का प्रतीक है, और भावे सिख समाज की लड़की को अगवा करके, एक कन्या को अगवा करके और उसे बंधक बना लिया गया है, और पुलिस ने भागे जो है कर दिया, लेकिन उन्होंने जो लव जिहाद की घटना इस प्रकार से वहाँ पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, और ननकाना साहिब जो हमारा पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ पर खुलेआम गाली दी जा रही है, वहाँ पर खुलेआम पत्थर फेंके जा रहे हैं उन लोग पाकिस्तानियों के द्वारा, हम इस कृत्य का पुरजोर विरोध करते हैं, और पूरे भारत में हम मांग करते हैं इस घटना की पुरजोर निंदा होनी चाहिए और जहाँ प्रदर्शन होने चाहिए हम पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। सिख समाज को अलग ना समझे हिंदू समाज से, सिख समाज हिंदू समाज का अंग है, हम किसी भी सिख समाज के क्या अल्पसंख्यक है उसके जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक भाई हैं हमारे, हम उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का उत्पीड़न सहन नहीं करेंगे। हिंदू जागरण मंच मांग करता है कि जो व्यक्ति दोषी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करके उन्हें उचित से उचित सजा दी जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू जागरण मंच इस घटना की कड़ी निंदा करता है, और ऐसे हम किसी भी घटना को कतई कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।